का चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम रैदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे। नौवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से इस पाठ को लिया गया है। इसके पहले हम उनकी व्याख्या वाला और प्रश्नोत्तर वाला अंश कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रैदास का जीवन परिचय। रैदास जी का जन्म 1388 में वाराणसी यानी जिसे बनारस कहा जाता है वहां हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में बनारस में ही हुई। रैदास कबीर के समकालीन थे, जिस समय कबीरदास मौजूद थे उन्हीं दिनों रैदास जी भी अपनी भक्ति संबंधी रचनाएं लिख रहे थे। रैदास का नाम चारों ओर इतना फैल गया था उनके पदों के कारण, उनकी भक्ति के कारण, उनके संत स्वभाव के कारण कि उन्हें सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था। संत कुलभूषण कवि रविदास जी उन महान संतों में से सबसे अग्रणी संत हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। रैदास के पदों में, उनकी कविताओं में, उनकी साहित्य में ऊंच नीच की भावना, ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद सारहीन समझे गए हैं, बताए गए हैं कि इनमें कोई लाभ नहीं है, समाज को इससे कोई फायदा नहीं होगा। समाज के लिए हितकारी है मनुष्य का एक मनुष्य की तरह बर्ताव करना और ईश्वर के प्रति अपने मन में भक्ति भावना रखना। उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहने और ईश्वर की भक्ति करते हुए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का पालन करने को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य बताया था। इन्हीं कारणों से आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना की है और सिख धर्म की पवित्र पुस्तक के रूप में इस ग्रंथ की बड़ी महत्ता है, उसमें उन्होंने महान संतों की रचनाओं को भी शामिल किया है। तो रैदास जी के भी 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया है। इससे ही हम यह समझ सकते हैं कि रैदास जी का कितना महत्व था। रैदास जी का कोई बड़ा ग्रंथ मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ है और शायद उन्होंने उसे ग्रंथ रूप में लिखा भी ना हो। हाँ, उनके फुटकर पदों को लोगों के द्वारा याद करके अपनी स्मृति में रखा गया है, उन्हीं के संकलन बनाए गए हैं और इस तरह रैदास के पदों की खोजबीन हुई है। तो यह था रैदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसके पहले हम रैदास जी के पदों के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आपसे अनुरोध है कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।